2022 में फिर मिलकर करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जो आपको एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जानी है या ड्रेस कोड्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ें अगर पता होंगी तो एग्जाम वाले दिन आपको प्रॉपर सब कुछ पता होंगी, तो आपको वहाँ पर टाइम वेस्टेज का डर नहीं रहेगा। सबसे पहली बात बच्चों, एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले जाओ, ये इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले ही बताया गया है। 2 घंटे पहले जो रिकॉर्डिंग टाइम है उससे पहले चल जाओ, क्योंकि जांच बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि अनफेयर मीन्स का उपयोग ना हो इसकी पूरी तरीके से वो लेते हैं कि हाँ अनफेयर मीन्स का उपयोग ना हो। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें बनाई गई है, क्या नहीं कर सकते हैं आप वो सब बताया गया है, ठीक है। तो आप क्या नहीं कर सकते हैं वो सुनो। एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले जाओगे, करेक्ट। उसके बाद चूँकि कंपलसरी आपको बहुत ही एक्सटेंसिव एंड कंपलसरी फ्रिस्किंग होगी जिसका एग्जामिनेशन सेंटर से पहले, जिसका पहला चीज़ होगा वहाँ पर आपको हाईली सेंसिटिव जो है मेटल डिटेक्टर के ऊपर से जाना होगा। इसका ये मतलब है कि आप मेटल का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते सेंटर पे, मतलब ले जाने की ज़रूरत भी क्या है, हम उसे अवॉइड करेंगे। और चीटिंग के जो चांसेस हैं, जैसे टेक्चुअल मटेरियल है, जैसे किसी के पास राइटिंग पैड है, प्रिंटेड पेपर है, बिट्स एंड पेपर्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल बॉक्स में भी कभी कभी लोग चिट्स रखते हैं, या फिर मान लो कई ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे आते हैं जिसमें काफ़ी कुछ रहता है लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन जो हम एग्जाम से हेल्प ले सकते हैं, वो मना है। इवन प्लास्टिक का पाउच मना है, कैलकुलेटर मना है, कैलकुलेटर तो ऑब्वियसली मना होगा, पेन स्केल राइटिंग पैड पेन ड्राइव्स इरेजर कैलकुलेटर लॉग टेबल, लॉग की नीड होती है ना तो लॉग टेबल भी नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर ये सब आप कुछ नहीं ले जाओगे। फिर आप मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, आप किसी ना किसी के साथ जाओगे, मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ ईयरफोन जिसे आप किसी से संपर्क ना कर सके, कम्युनिकेटिंग डिवाइस नहीं यूज़ करना है, पेजर हेल्थ बैंड कुछ नहीं। इसके अलावा वॉलेट भी नहीं ले जाना है, गॉगल्स हैंड बैग्स बेल्ट कैप तो मेडल की वजह से नहीं ले जाना है, और आप रिस्ट क्योंकि आजकल स्मार्ट वॉचेस भी आते हैं तो इसलिए वो भी मना है, वॉच स्मार्ट वॉच ब्रेसलेट्स कैमराज कुछ नहीं ले जाना है। गर्ल्स यूजुअली इवन बॉयज भी कुछ ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, तो मेटेलिक ऑर्नामेंट्स आपको नहीं पहनना है। इसके अलावा कोई भी फूड आइटम ओपन हो या पैक्ड हो, वाटर बॉटल ये सब बाबा कुछ नहीं ले जाना आपको। इसके अलावा एनी अदर आइटम्स विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, जैसे कि बाई हाइडिंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज, जैसे किसी ने छुपा लिया माइक्रोचिप कैमरा ब्लूटूथ डिवाइस, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा नो अरेंजमेंट्स विल बी डन एट द सेंटर पुट योर आर्टिकल्स, जैसे होता है कि हम कुछ लेके गए और हम चाहते हैं कि हम लेके गए बैग वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं पे रख दें, तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप ये सुविधा यूज़ नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं ले जाना है, बेसिकली अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, और तो ये चीज़ें आप ले नहीं जा सकते। तो इसके अलावा आपने माइक्रोचिप को भी समझ लिया, कभी ले जा सकते। नो अरेंजमेंट विल बी डन एट द सेंटर, कोई आर्टिकल आप वहाँ पे नहीं रख सकते। कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ फेथ, जैसे कभी कभी होता है ना रिलीजियस बिलीफ वाली चीज़ें, किसी के पास ताबीज है या समथिंग लाइक दैट, कोई ब्रेसलेट है जिसे रिलीजियस कनेक्शन है, तो अगर आप पहन के जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 घंटे पहले बताना पड़ेगा, यू हैव टू रिपोर्ट इट। फिर उसके बाद फ्रिस्किंग होगी, तो दैट विल कॉज इनकन्वीनियंस। तो अगर ऐसा कोई मैंडेट नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि सजेस्ट यही करूँगी ना पहन के जाओ, ठीक है। तो इनकन्वीनियंस क्यों वहाँ पे फ्रिस्किंग हो, ये क्या है क्यों है, ठीक है। फिर अगर स्क्रीनिंग होगी, अगर मान लो इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट एनी कैंडिडेट इज एक्चुअली कैरिंग अ सस्पेक्टिंग डिवाइस, तो फिर अगर सस्पेक्टिंग डिवाइस है तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई कि आपको क्या क्या नहीं करना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या नहीं करना है, राइट। अब आते हैं बच्चों ड्रेस कोड पे। देखो हर वो चीज़ मना की गई है जहाँ से चीटिंग के चांसेस है। अब ड्रेस कोड में देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल ही हल्के कपड़े पहनने, विद अगर आप लॉन्ग स्लीव पहनते हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट, क्योंकि लॉन्ग स्लीव में कभी कभी लोग पर्चे छुपा लेते हैं तो वो अलाउड नहीं है। अगर कैंडिडेट देखो कहा गया लॉन्ग क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, सॉरी लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, हाउएवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेसेस एट एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप कस्टमरी ड्रेसेस हैं कल्चरल ड्रेसेस हैं, मान लो किसी को ऐसा कोई कपड़ा जो कल्चरली गिवन है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले बताना होगा कितने पहले, 1 आवर बिफोर, ताकि वो प्रॉपरली पता कर सके, फ्रिस्किंग होगी फिर, ठीक है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों को, ताकि आपका दिमाग एग्जाम सेंटर पे रहे एग्जाम देने पे, ना कि अरे यार मुझे एग्ज़ाम देने देंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि आप इतने साल इतनी मेहनत करते हो पूरे साल,
तो इन सब चीजों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब आते हैं जैसे स्लीपर्स। अब आप पहन के पैर में क्या जाओगे? स्लीपर्स सैंडल विथ लो हील्स आर परमिटेड, ठीक है। जूते नहीं पहन सकते, कारण क्या है, जूतों में भी लोग पर्चे छुपा सकते हैं, इसीलिए आप सैंडल्स स्लीपर्स पहनोगे जिसकी हील्स भी कम हो। अगला मुद्दा ये है कि इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशू। तो आपको पहले ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इट इज डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय एनटीए स्ट्रिक्टली। आपको इन सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। एनटीए ये इसलिए नहीं कर रहा कि स्टूडेंट परेशान हो, इसलिए कर रहा है कि एग्जाम फेयर हो, राइट। फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर मान लो आप बहुत से बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं साल भर, कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है पर उन्होंने पढ़ा नहीं है ठीक से। तो जो मेहनत कर रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर दोनों के मार्क्स बराबर हो जाए तो फिर फायदा नहीं है, तो ये सही भी नहीं है। इसीलिए अनफेयर मीन्स का उपयोग ना हो, इसलिए चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, स्ट्रिक्टर बाय स्ट्रिक्टर होती जा रही हैं। तो आप इन सारे रूल्स का पालन करके एग्जाम में जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट, और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।